Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. दिल्ली NCR में बुधवार सुबह झमाझम बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया है। जलभराव होने से लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर भी वाहनों की रफ्तार थम गई। नोएडा में औद्योगिक नगरी में बुधवार सुबह झमाझम वर्षा हुई। वर्षा ने गर्मी और उमस से राहत दिलाई। वर्षा के बाद कई जगह सेक्टर के अलावा गांव की आंतरिक सड़कों पर जलभराव हो गया। इस कारण घरों से निकले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर कई जगह वर्षा के कारण घुटनों तक पानी भर गया है, जिससे दोपहिया चालकों को भी परेशानी हुई। वहीं तेज वर्षा से लोगों को भीषण गर्मी के दौर से थोड़ी राहत मिली है। अधिकतम तापमान सामान्य से 35 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 28 डिग्री पहुंच गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 91 दर्ज किया गया। बताया गया कि वर्षा के कारण नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 84 के साथ संतोषजनक श्रेणी में रहा। मौसम विभाग ने 31 जुलाई तक वर्षा की संभावना व्यक्त की है। गौरतलब है कि इससे पहले मंगलवार को दोपहर में हुई वर्षा के बाद दोपहर में उमस ने परेशान किया था। वर्षा में भीगने से बचने के लिए लोग एलिवेटेड रोड के नीचे रुक गए। वहीं डीएनडी कालिंदी कुंज चिल्ला बॉर्डर के पास ट्रैफिक रेंगता रहा। इसके अलावा शहर की अन्य सड़कों के किनारे जलभराव से वाहन की रफ्तार थम गई। डेढ़ घंटे की वर्षा के बाद कई जगह शहर में पानी भर गया। सेक्टर से लेकर सड़कों तक में भारी जलभराव हुआ है। सीवर लाइन उफनाती नजर आई। इसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। शहर में वर्षा के यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा गई। सड़कों पर जलभराव होने से वाहनों के पहिए भी थम गए। वर्षा होने के बाद गांव नरसिंहपुर स्थित एक हाईवे की सर्विस लाइन पूरी तरह जलमग्न हो गई, जिसके चलते खेत की डोला से लेकर राजीव चौक तक करीब 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया।